हेलो सिविलियंस, तो आज स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये हम सभी को पता है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो या ESE का हो या कोई भी स्टेट सर्विसेज हो, SSC JEE हो, सब जगह। तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे आज हम। और हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को कि कौन कौन से अलग अलग टॉपिक्स में क्लासिफाई करें, तो ब्रॉडली तीन क्लासिफिकेशन है, तीन सब टॉपिक्स है। पहला हो गया रॉ वाटर इंजीनियरिंग, दूसरा हो गया वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, और फिर तीसरा हो गया सॉलिड वेस्ट एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। अब रॉ वाटर इंजीनियरिंग जैसा कि है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉ वाटर, रॉ वाटर होता क्या है? तो अगर इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़े तो एनी सैंपल ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड इज नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट इज टर्म्ड एज रॉ वाटर। कोई भी पानी का सैंपल हो जो हम ब्रिंग करते हैं, लाते हैं, और उसमें कोई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं किया गया हो, दैट इज़ कॉल्ड एज रॉ वाटर। अब हो सकता है उसमें नेचुरल ट्रीटमेंट किया गया हो, लेकिन कोई हमने आर्टिफिशियली कोई मैनमेड ट्रीटमेंट नहीं किया होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेचुरली ट्रीटमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर फ्लोइंग इन रिवर, तो वहाँ पे हमेशा एक सेडिमेंटेशन होते रहता है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट। फॉर ग्राउंड वाटर फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होते रहता है हमेशा, दैट इज़ द नेचुरल ट्रीटमेंट प्रोसेस, बट हमने उस पर कोई आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट नहीं किया है, दैट्स वाई दैट सैंपल ऑफ वाटर इज नोन एज रॉ वाटर, ठीक है। अब रॉ वाटर इंजीनियरिंग, अब यहाँ पे इंजीनियरिंग शब्द का क्या मतलब है, हमने ऐसा क्या इंजीनियरिंग किया है, क्यों रॉ वाटर क्या इंजीनियरिंग क्यों लगाया? बिकॉज रॉ वाटर इंजीनियरिंग क्या है कि एक पूरा हमारा प्लान है कि किस तरह से रॉ वाटर को हम लेते हैं और एक स्कीम डेवलप करते हैं, फ्रॉम कलेक्टिंग टू सोर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द होल सिस्टम, दिस होल सिस्टम फ्रॉम सोर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नोन एज रॉ वाटर इंजीनियरिंग, ठीक। जैसे किसी भी हमने अगर सप्लाई स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम बनाना है, तो उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम क्या है हमारे लिए, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स। अब सोर्स या सरफेस सोर्स भी हो सकता है, ठीक है, सब सरफेस सोर्स भी हो सकता है, प्रसिपिटेशन जो बारिश का पानी भी हो सकता है, या डैम्स रिजर्वायर में जो हमने जो पानी बचा कर रखा है, स्टोर करके रखा है, वो भी हो सकता है। सो ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। फिर हम पानी को यहाँ से ले जाते हैं फाइनली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ज़रूरत क्यों पड़ा, ट्रीटमेंट का यूज़ क्या है? बिकॉज अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पानी को सप्लाई करना है, तो हो सकता है हमारा कुछ डिमांड हो, क्वालिटी का डिमांड हो, पानी का सप्लाई हमारा कुछ रिक्वायरमेंट हो, अगर ड्रिंकिंग वाटर है तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट होगा, या वाशिंग क्लॉथ्स, क्लॉथिंग, वाशिंग ऑफ क्लॉथ्स है तो उसका एक डिमांड है कि ये इस क्वालिटी का ही पानी होगा तो हम इसको यूज़ कर पाएंगे। बट सोर्स में जो पानी अवेलेबल है, हो सकता है उस डिमांड को, उस क्वालिटी को फुलफिल ना कर रहा हो, तो उस क्वालिटी से फुलफिल कराने के लिए हमें ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट बेसिकली होता क्या है, जो अनडिज़ायरेबल क्वालिटी होता है उसे रिमूव करते हैं ट्रीटमेंट में, और जो डिज़ायरेबल क्वालिटी है उसे ऐड करते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट करने के बाद क्या करेंगे, हम सर्विस रिजर्वायर में ले जाकर पानी स्टोर करेंगे, और फिर वहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ले जाकर पानी को सप्लाई करेंगे। तो इस पूरे वाटर सप्लाई स्कीम को फंक्शनल बनाने के लिए कौन कौन सा बातें को ध्यान में रखना होगा हमें, तो पॉइंट्स टू बी डिस्कशन इज दैट, फर्स्ट पॉइंट इज वाटर डिमांड। तो पहले हमें स्कीम को बनाने से पहले ये पता लगाना होगा कि पानी का डिमांड कितना है, तभी हम उस डिमांड के हिसाब से सोर्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। डिमांड मान लीजिए कि डिमांड ज़्यादा है और वहाँ जो सोर्स है, सरफेस सोर्स फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वहाँ पे कुछ रिवर वाटर है, लेकिन डिमांड अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि उस सरफेस वाटर से हमारा डिमांड फुलफिल ना हो, तो इसीलिए पहले डिमांड पता करेंगे, तभी उसके अनुसार सोर्स का पता कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ग्राउंड वाटर देना है या सरफेस वाटर देना है या रिजर्वायर वाटर देना है या जो भी हो। उसके बाद जब वाटर डिमांड पता कर लेंगे, उसके बाद देन वी विल आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ वाटर। अब सोर्स ऑफ वाटर हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे, ठीक है।
और सोर्स ऑफ वाटर, फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर देने से पहले हमें क्वालिटी ऑफ वाटर पता करना पड़ेगा कि क्वालिटी जो हमारी डिमांड है और क्वालिटी जो सोर्स में अवेलेबल है दोनों में कितना डिफरेंस है, वो दोनों पता कर पाएंगे तभी ट्रीटमेंट हो पाएगा। क्वालिटी हमें कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल पीएच ऑफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी 6-7, बट द पीएच ऑफ वाटर पीएच ऑफ पीएच जो पानी जो मौजूद है सोर्स में वो मान लीजिए 6 है या 8 है। ठीक है, तो 6 और 8 से 7 में लाने के लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट करना होगा, तो ये पहले पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर देने के बाद सर्विस रिजर्वायर स्टोर करेंगे, फिर वहाँ से कुछ हमें डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स का ज़रूरत पड़ेगा सप्लाई करने के लिए, फ्रॉम सोर्स टू पंप, देन पंप टू वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, देन रिजर्वायर, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, और फिर फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, हमारा वाटर डिमांड, हमारा डिमांड क्या है तो देखते हैं। एनी सैंपल ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड इज नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट इज टर्म्ड एज रॉ वाटर, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, बिफोर डिजाइनिंग रॉ वाटर स्कीम फॉलोइंग क्वांटिटीज मस्ट बी नोन, तो रॉ वाटर हम इसके एक सप्लाई स्कीम बनाने से पहले कुछ चीज़ें का पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ कम्युनिटी इन वन ईयर, एक सिटी में मान लीजिए किसी एक शहर के लिए हम वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो पूरे एक साल में उस शहर के लिए कितना डिमांड है पानी का वो पता लगाना जरूरी है, एंड दैट इज नोन एज एनुअल ड्राफ्ट, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। सो इट इज़ एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम जस्ट ऑब्जर्व करते हैं एक साल तक कि इस पूरे साल में उस शहर में कितना पानी का डिमांड हुआ है। ठीक है, देन टोटल अमाउंट ऑफ वाटर क्वान्टिटी रिक्वायर्ड इन द कम्युनिटी इन वन डे, फिर उसको उसे क्या करेंगे 365 डे से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का डिमांड निकल जाएगा। ठीक है, हमने पहले टोटल डिमांड निकाल लिया पूरे साल का, फिर उसे 365 डे से डिवाइड कर दिया, दैट विल बी द डिमांड फॉर वन डे फॉर द होल सिटी और कम्युनिटी। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द कम्युनिटी इन वन डे बाय वन इंडिविजुअल, अब एक दिन में एक इंडिविजुअल द्वारा कितना पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो हम निकालेंगे बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी और सिटी, दैट इज कॉल्ड एज एनुअल एवरेज पर कैपिटा ड्राफ्ट, वी अपॉन 365 इंटू पी, पी क्या हो गया प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी। ओके, तो टोटल डिमांड ऑफ वाटर इन एनी कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अब टोटल जो डिमांड है उसका भी अलग अलग कॉम्पोनेंट है, कंपोनेंट को देखते हैं। तो पहला कंपोनेंट हो गया डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फुलफिल डोमेस्टिक नीड्स, हमारे जो डोमेस्टिक हमारे जो घरों में जरूरत होती है पानी को उसे फुलफिल करने में जो डिमांड है पानी का दैट विल कॉल्ड एज डोमेस्टिक वाटर डिमांड, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग कुकिंग वॉशिंग बाथिंग इत्यादि। इट कंस्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 50-60% ऑफ टोटल डिमांड, पूरे डिमांड का लगभग 50-60% डोमेस्टिक वाटर डिमांड ही कंस्टिट्यूट करता है। फॉर अ सिटी हैविंग फुल फ्लशिंग सिस्टम इट इज इन द रेंज ऑफ 135-225 लीटर पर कैपिटा पर डे और एवरेज 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, जिस सिटी में फुल फ्लशिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम क्या होता है, तो सीवरेज सिस्टम जो कनेक्टेड टू वाटर, अब सीवरेज सिस्टम भी दो तरह का होता है वो हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में, यहाँ पे जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है वहाँ हम पढ़ेंगे सीवरेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सीवरेज सिस्टम में दो तरह का होता है, एक होता है ड्राई सीवरेज सिस्टम, एक होता है सीवरेज सिस्टम कनेक्टेड विथ वाटर। तो अगर वाटर के साथ कनेक्टेड है सीवरेज सिस्टम तो जाहिर सी बात है वहाँ उसका डिमांड पानी का ज़्यादा होगा। ओके, अब देखते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक अरस फॉलोस, ड्रिंकिंग 5 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये सब वैल्यूज है जो SSC के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्रिंकिंग 5 लीटर पर कैपिटा पर डे, कुकिंग 5 लीटर उसका ये 5, बाथिंग 55, वॉशिंग 20, वॉशिंग यूटेंसिल्स 10, हाउस वॉशिंग 10 एंड मिसलेनियस 30, दैट द होल द एडिंग ऑल दिस विल कम अप 135 LPCD। तो पहला हमने देख लिया डोमेस्टिक वाटर डिमांड, दूसरा डिमांड है हमारा इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड।
इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी में जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है उसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो डिमांड होगा दैट विल कॉल्ड एज अ इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। एंड इट डिपेंड्स अपन द एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर किसी शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, या जो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है जो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करती है, तो दैट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर। सो जनरली इट इज इन द रेंज ऑफ 50 to 450 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिमांड ओवर द टोटल डिमांड इज कंपेरेटिवली मोर। जो इम्पैक्ट है इस डिमांड का वो टोटल डिमांड पे ज़्यादा होगा। हालांकि 50 to 60% कॉन्स्टिट्यूट ये डोमेस्टिक वाटर डिमांड कर रहा है, बट इम्पैक्ट क्योंकि एक इंडस्ट्रीज के ऐड हो जाने से हो सकता है कि इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा रेट से इंक्रीज कर जाए, इसलिए लिखा गया है कि द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिमांड ओवर द टोटल डिमांड इज कंपेरेटिवली मोर। ठीक है, तीसरा डिमांड है हमारा इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। ये क्या कहता है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इन कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। तो क्लियर है, एक कम्युनिटी में जितना भी इंस्टीट्यूट्स है उसका जो डिमांड होगा पानी का दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ETC, एंड इट इज इन द रेंज ऑफ 20 to 50 LPCD, 20 से 50। तो ये हो गया इंस्टीट्यूशन का 20 से 50 LPCD, इंडस्ट्रियल का 50 से 450 और डोमेस्टिक का 135 से 225। ठीक है, अब नेक्स्ट यूज है हमारा वाटर फॉर पब्लिक यूज। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूटिलिटी पर्पसेस, फॉर एग्जांपल रोड्स हो गया, गार्डनिंग हो, ETC, एंड इट इज टेकन टू बेस 5 to 6% ऑफ टोटल डिमांड। ये कितना आएगा, 10 से 20 LPCD। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना है कि 5 से 6% टोटल डिमांड का आता है, ठीक है, और 10 से 20 LPCD आता है। तो ये था आज का वीडियो जहाँ हमने देखा मेनली डिमांड के बारे में कि अलग अलग डिमांड के क्या वैल्यूज है, चाहे डोमेस्टिक वाटर डिमांड हो गया, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, या इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, या इंडस्ट्रियल फॉर पब्लिक यूज़ फॉर वाटर फॉर पब्लिक यूज़। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, थैंक यू।